और रुक करते इस समय किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा कहना है वो आगे की बात हमारे साथी दूसरे वो कहेंगे। नमस्कार पत्र साथियों, पत्रकार साथियों, मैं तजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष तराई किसान संगठन उत्तराखंड। आज साथियों संयुक्त मोर्चे में देश भर के किसान नेताओं ने 26 तारीख के कार्यक्रम पे व्यापक चर्चा की और उस चर्चा में तमाम जिम्मेदारियां कि कैसे कार्यक्रम होगा, क्या रूपरेखा होगी, इस पर चर्चा हुई। लेकिन उत्तराखंड से मैं आता हूं, अभी तक उत्तराखंड से 20,000 ट्रैक्टरों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है तराई के क्षेत्र से दिल्ली में आने के लिए हो चुका है। और ये 26 तारीख का कार्यक्रम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो हमारे कार्यक्रम पहले चल रहे हैं, जैसे 18 तारीख को महिला दिवस है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र जयंती पर राजभवनों पर प्रदर्शन होंगे, उसी क्रम में 26 तारीख का कार्यक्रम है और आगे के कार्यक्रम भी 2-3 दिन के बाद आगे का हमारा क्या कार्यक्रम एक्शन प्लान होगा वो भी जारी होगा। तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा, तिरंगे के साथ होगा और देश की राजधानी के अंदर, इस देश का किसान राजधानी में नहीं पूरे देश के विभिन्न राज्यों के अंदर ये कार्यक्रम होंगे और विभिन्न राज्यों के लोग अपने अपने राज्य की झांकियां जैसे गणतंत्र परेड में आती हैं, वैसे ही हर राज्य भी अपनी झांकियां भी लेकर उस रूप में भी इस परेड में शामिल होगा और इस देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करेगा और यह बताएगा कि इस देश का किसान का बेटा जवान फौज के अंदर झांकी के रूप में परेड करेगा और इस देश के किसान का बेटा जो घर में खेती कर रहा है वह इस दिल्ली की राजधानी में रहकर वह भी झांकी के रूप में और एकता के रूप में, जहां देश का जवान बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है वहां देश की आंतरिक सुरक्षा में इस देश के किसान का बेटा और किसान का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। ये हम 26 जनवरी के इस कार्यक्रम से एक संदेश भी इस देश का किसान देने का काम करेगा, ये हमारा कार्यक्रम है। आगे की जो भी रणनीति है हमारे भाई युद्धवीर जी आगे आपको बताएंगे। साथियों, जैसा आपको पता है 19 तारीख को बैठक है सरकार के साथ, लेकिन माननीय कृषि मंत्री ने आज एक बयान जारी किया, वो बयान ये दर्शाता, उन्होंने स्पष्ट इसमें कहा है कि देश के अधिकांश किसान, विद्वान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हमसे सहमत हैं और देश को देख के कानून बनाया जा सकता, ये उनकी मंशा को बताता। 19 तारीख की बैठक है और बैठक में हमारे किसान नेता साफ कह के आ गए थे कि 19 तारीख को तीनों कानून वापस लेना और MSP को कानूनी स्वरूप देने के लिए हम आपसे बात करने आएंगे। 17 तारीख को ये बयान देना, दोबारा से ये जताना कि हम बात करने वाले नहीं है और देश हमारे साथ है, एक किस्म से वो जान पूछ के उन्होंने आज की डेट में ये बयान दिया और वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इनके बयान को पढ़ के किसान इसका बायकॉट करेंगे। हम 19 तारीख को जवाब लेने जरूर जाएंगे क्योंकि देश के सामने उनका एक्सपोजर होना चाहिए, वो चाहते हैं ये बताना इसके माध्यम से हम ना गुस्सा होकर ना जाएं और उनको कहने का मौका मिले कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बयान कुछ देते हैं, कहते कुछ हो रहे हैं, तो उनके बयान की मैं निंदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि किसान इतना अनभिज्ञ नहीं है, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के एक्शन उनके हैं, इनसे हम परिचित हैं और हम जानते हैं उनका। हमारे नेताजी डलेवाल जी ने, लखोवाल उन्होंने, राजेवाल जी ने कहा भी था उनको कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप गंभीर हैं नहीं, निश्चित तौर पे वो गंभीर नहीं है और 19 तारीख की गंभीरता तो उन्होंने आज इस बयान में जाहिर हुई है।